आईफोन में व्हाट्सएप नोटिफिकेशन कैसे ऑन करें या फिर आईफोन में व्हाट्सएप नोटिफिकेशन कैसे ऑफ करें बंद करें, ये दोनों चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में मैं जो है आपको बताऊँगा कि नोटिफिकेशन का साउंड इफ़ेक्ट क्या रहता है और किस तरीके से आपको जो है करना होता है नोटिफिकेशन को ऑन या फिर ऑफ, वो भी मैं आपको बताऊँगा प्रॉपर इस वीडियो में। तो एक बार आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ए टू जेड समझ में आ जाएगा नोटिफिकेशन के बारे में व्हाट्सएप ऐप का, वो भी आपके आईफोन पर। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जो अपना जो आईफोन है उस पर जो है व्हाट्सएप ऐप ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं व्हाट्सएप ऐप को ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे चैट वाला ऑप्शन है उस पर आ चुका हूँ। अब देखिए दोस्तों इस तरीके से मान लो मैं जो है दूसरा कुछ भी काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, कर रहा हूँ कुछ भी काम वगैरह, मतलब दूसरा ऐप वगैरह चला रहा हूँ और मेरे को जो है नोटिफिकेशन आता है। जैसे कि व्हाट्सएप से हम किसी भी दोस्त को मैं बोलूँगा कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर जो है मैसेज वगैरह सेंड कर करके, और चलिए मैं आपको यहाँ पर सेंड करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ दूसरे डिवाइस से और इस तरीके से साउंड इफेक्ट आया है टिन करके और यहाँ पे जो व्हाट्सएप में का जो मैसेज है वो इस तरीके से आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है कैसे कर सकते हो नोटिफिकेशन को ऑन या फिर ऑफ, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया व्हाट्सएप ऐप को ओपन करना है और यहाँ पे आपको जो है करना क्या रहेगा, आपको जो है यहाँ पे सेटिंग पे चले जाना है यहाँ पे व्हाट्सएप ऐप का, ठीक है। और जैसे सेटिंग पे आओगे यहाँ पे आपको काफ़ी तरीके का ऑप्शन मिलेगा, तो नोटिफिकेशन पे चले जाना है और यहाँ पे आपको ये देखिए सेम ऑप्शन दिया है, एक है आपका मैसेज के लिए है और एक है आपका जो है व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका मैसेज आया है उसका लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों चीज़ आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, यानी कि जो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में है वो लोग मैसेज करते हैं तो साउंड इफेक्ट कौन सा आएगा, नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेम उसी तरीके से आप जो है ग्रुप के लिए सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप जो है ग्रुप बना के रखे हुए हो व्हाट्सएप पे और उस पर जो मैसेज आया है उसको आपको नोटिफिकेशन शो कराना है कि नहीं, यानी ऊपर में दिखाना है कि नहीं, या फिर उसका साउंड इफेक्ट चेंज करना है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसको हम जो है ऑफ कैसे करेंगे, क्योंकि मेरा तो ऑन है आपने देखा होगा, तो यहाँ पे ऑफ कैसे करना रहेगा ये आपको दिखाई दे रहा है मैसेज वाला नोटिफिकेशन, इसको अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे को जो है जैसे कि मैं आप कुछ भी काम करते रहूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मैं काम कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे अब मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे को मैसेज किया गया है, ठीक है, व्हाट्सएप पे, ठीक है, यहाँ पे मैसेज सेंड कर देता हूँ तो मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज आ चुका है। और जस्ट यहाँ पे फिर से मैं जो है सेंड करता हूँ कुछ मैसेज, तो यहाँ पे मैं उसको भी सेंड कर देता हूँ, तो ये देखिए मेरे को मैसेज तो आ रहा है यहाँ पे व्हाट्सएप पे, लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ फिर से मैं कुछ मैसेज कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए तो यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, लेकिन जो मैसेज है वो यहाँ पे मेरे को आ चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो, ठीक है, इस तरीके से मैसेज आ रहा है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन को ऑफ कर दिया है, ये आप देख सकते हो। जैसे कि आपको दिखा दूँ यहाँ पे कुछ दूसरा ऑप्शन आ गया था, चलिए यहाँ पे मैसेज वाला ऑप्शन पे आ गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैसेज है कुछ इस तरीके से आ चुका है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो जो नोटिफिकेशन वो ऑफ था, इस वजह से मेरे को नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपका जो नोटिफिकेशन वो ऑफ है तो मतलब ऑफ कैसे करते वो बता दिया, अगर आपको जो ऑन करना है तब कैसे करना रहेगा, यहाँ पर क्लिक करके आपको ऑन कर लेना है। देखिए दोस्तों नोटिफिकेशन को ऑफ इसलिए किया जाता है जिससे कि आप जो है कोई भी काम कर रहे हो और बीच में कोई भी नोटिफिकेशन का मैसेज बार बार आता है तो आपका जो है काम वो बिगड़ता है, डिस्टर्ब होता है, इसलिए किए करते हैं बहुत लोग नोटिफिकेशन को ऑफ व्हाट्सएप का। और उसके अलावा जो गेमिंग वगैरह करते हैं तो भी वहाँ पे जो है नोटिफिकेशन को ऑफ कर लेते हैं व्हाट्सएप का, जिससे जो है यहाँ पे कोई दिक्कत ना आए करके, ठीक है ना। यानी कि आप जो है गेमिंग वगैरह कर रहे हो और वहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज आएगा तो डिस्टर्ब हो जाते हो, तो इस तरीके से आपको जो है इसलिए यहाँ पर व्हाट्सएप का जो नोटिफिकेशन को ऑफ करते हैं। अब यहाँ पर व्हाट्सएप का जो नोटिफिकेशन है उसका साउंड भी आपको दिया गया है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, वही साउंड इफेक्ट आपको जो है सुनाई देगा जब आपका जो है मैसेज आएगा तो, ठीक है, व्हाट्सएप पे। अब जो ऑप्शन मैंने आपको बताया है सेम ऑप्शन यहाँ पे भी लागू होता है, अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो आपका जो है नोटिफिकेशन जो ग्रुप के थ्रू आएगा वो आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये करना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप जो है नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो व्हाट्सएप ऐप का, वो भी आपके आईफोन पर, या फिर ऑफ कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बता दिया हूँ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।